साथियों वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल मीटर बॉक्स। दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिटायर्ड एमएससीपी हवलदार अनिल कुमार आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बीएसएफ रिक्रूटमेंट के ऊपर लेके आ चुका हूं। दोस्तों इससे पहले बहुत सारे वीडियोस डाल दिए, लेकिन ये पल पल के अपडेट देना मैं आप लोगों को जरूरी समझता हूँ, इसलिए ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। रात को भी मैंने आपको लिए 12-1 बजे तक मैंने वीडियो बनाए हैं, तो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, तो ऐसे ही करता रहूँगा। और आई होप मेरे वीडियोस आप लोगों को अगर लाइक लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, तो आप जरूर लाइक कर दोगे और भी लोगों के साथ शेयर कर दोगे। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो क्या है बीएसएफ ट्रेडमैन 2023, ठीक है। आज हम बात करेंगे मेन मेन पॉइंट पर, दौड़ कितनी होगी, हाइट एंड चेस्ट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं। दोस्तों आज हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो मैं छोटा ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूंगा, बहुत जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को इसलिए जरूर मिस मत करना, क्योंकि नहीं तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस कर दो। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन आर्मी की ड्रेस में आकर करके क्या है, जो इंडियन आर्मी में कभी थे भी नहीं, जिनका नामो निशान भी नहीं था दोस्तों, वो भी आ करके वीडियो बना रहे हैं और समझा रहे हैं, है ना। अभी आप मुझे ये बताइए कि जो जिस फील्ड में नहीं है क्या उस फील्ड की नॉलेज उसको होगी क्या, जो जिस फील्ड में रह के आया है उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, या फिर जो जिस फील्ड में नहीं है उसके बाद उसको वो बता रहा है उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो दोस्तों आप इस बात को जरूर सोचना, फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, मैं मेरे बारे में आप लोगों को पता ही है कि मैंने भी 17 साल इंडियन आर्मी के अंदर जॉब किया है, उसके बाद देन मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। रात के 12-1 बजे तक जगता हूँ, ज़्यादा नहीं जगता हूँ, है ना। तो आप लोगों के लिए मेहनत जरूर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने हमेशा यही सीखा है कि हम एक फौजी जो है फौजी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, एक सर्विसमैन रिटायर्ड आर्मी पर्सन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एक सिविलियन के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, जिसको किसी चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है कि फौज में जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे ट्रेनिंग वहाँ पर होती है, जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं कैसे ज्वाइनिंग होती है कैसे, तो वो कैसे बता सकता है, वो कौन बता सकता है, वही पर्सन बता सकता है जो उस चीज़ में गया है, जो राइट पर्सन है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस बात का अपने ध्यान रखा, बहुत सारे दलाल आजकल घूम रहे हैं जो आपसे 3-4 लाख रुपए मांग रहे हैं कि भर्ती करवा दो हमको, तो आप लोग भी उनके झांसे में ना आए, क्योंकि भर्ती सिर्फ आप अपने बल पे हो सकते हो, कोई भी आपको इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती नहीं करा सकता है दोस्तों, आप खुद हो सकते हो दोस्तों भर्ती, सिर्फ आप ही हो एक जो अपने आपको क्या यहाँ पर सही साबित कर सकते हो। अगर आप खुद को इंडियन आर्मी में सोल्जर बनाना चाहते हो दोस्तों, तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप का पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी आप जाके इंडियन आर्मी के सोल्जर बन सकते हो दोस्तों। इंडियन आर्मी कोई जॉब नहीं है दोस्तों, ये है एक भारत माता की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं दोस्तों, कोई जॉब नहीं है कि हम अपने यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए आ रहे हैं, नहीं दोस्तों। सबसे पहले हमारी मातृभूमि होती है, उसके बाद हमारा परिवार होता है, हम 9-9, 10-10 महीना के आप बाहर रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, ठीक है, भारत माँ की रक्षा करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ना कि यहाँ पर पैसा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं, चलिए दोस्तों दौड़ कितनी होगी मैं आपको बता दूं, इसको जो मेल की जो रनिंग है दोस्तों वो 5 किलोमीटर रहने वाली है यहाँ पर। पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर क्या है रिटन टेस्ट होता था, जो बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रिटन टेस्ट की क्या तैयारी कर रहे थे, लेकिन रिटन टेस्ट की क्या तैयारी करते करते अचानक बीएसएफ से पता नहीं क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट में उन्होंने बदलाव कर दिया, और क्या है पहले जो रिटन टेस्ट होना था उसकी जगह क्या फिजिकल होने को आया, जिससे क्या हो गया बच्चों को थोड़ा सा क्या है टाइम नहीं मिल पाया है, ये कहीं ना कहीं बीएसएफ ने थोड़ा सा यहाँ पर क्या गलत किया है, या यहाँ पर जो है, तो जो रक्षा मंत्रालय से जो वैकेंसी जब आई, तो उसके बाद वैकेंसी आने के बाद जब ये हुआ दोस्तों, तो उसके बाद पहले की यही आशंका की थी कि रिटर्न होगा, लेकिन बट बाद में पता नहीं किस वजह से बदलाव किया गया कि पहले फिजिकल आ गया दोस्तों। फिजिकल आ गया तो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने तैयारी पहले वो रिटर्न की कर रहे थे, फिजिकल की नहीं कर रहे थे, तो फिजिकल के लिए मिनिमम अब उनको 10-15 दिन ही मिल पा रहे हैं, जिसमें उनको अभी प्रैक्टिस भी करनी है और उसमें उनको वो कैरी आउट भी करना है, क्रैक भी करना है इनको रनिंग। तो रनिंग के बारे में भी दोस्तों वीडियो जरूर बनाऊंगा, कैसे आपको रनिंग दौड़ना है कैसे नहीं दौड़ना है, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगा और आपको यहाँ पर सक्सेस जरूर दिलाऊंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं, 5 किलोमीटर रनिंग है जो कि मेल्स को 24 मिनट के अंदर क्या है कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहीं पर जो फीमेल्स के लिए रनिंग है 1.6 किलोमीटर है, 1.6 किलोमीटर रनिंग है, वो उसको 8.5 मिनट के अंदर क्या पूरी करनी है,
ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया जो है आपका फिजिकल है, और बात कर लेते हैं यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका। एडमिट कार्ड कब आने वाला है? एडमिट कार्ड आपका 14 मई तक आपके पास आ जाएगा, जिसके अंदर ये भी मेंशन होगा कि आपका कौन का जो एग्जाम है फिजिकल है कब है, और जो आपका रिटर्न है, रिटर्न तो बाद में होगा, पहले आप फिजिकल यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जब फिजिकल आपका होगा यहाँ पर, एडमिट कार्ड यहाँ पर दिया रहेगा सब कुछ, एडमिट कार्ड के ऊपर आपका कौन सा एग्जाम कब है कब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक टेंशन तो ये खत्म हो गई आपकी। ठीक है, सेकेंडली बात करूं मैं फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है आपका, फिजिकल का मैं बता दूं, फिजिकल आपका 3rd week of May के अंदर स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप तैयारी जोरों शोरों से, मुश्किल से लगभग आपके पास 19 days बैलेंस बचे हैं, सिर्फ 19 दिन बैलेंस बचे हैं दोस्तों। 19 दिन के अंदर कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि आप फिजिकल जब करोगे, फिजिकल में आपको सबसे पहले क्या होगा, आपका हाइट वहां पर क्या नापा जाएगा दोस्तों, आपका हाइट चेक किया जाएगा और चेस्ट चेक किया जाएगा, देन तभी आपको क्या है रनिंग के लिए वहां पर आगे सिलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हाइट और चेस्ट पहले आपका चेक होगा पहले, सबसे पहले, उसके बाद आपको रनिंग में शामिल होने दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ पर आप बात कर लेता हूँ हाइट की और चेस्ट की दोस्तों। तो हाइट जो रहने वाली है मेल्स की दोस्तों, यहाँ पर 165 सेंटीमीटर रहने वाली है, और जो चेस्ट है जो उसकी वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाना पड़ेगा दोस्तों उसको, यानी कि 75 से 80 के बीच में, 75 से 80 उसको वो चेस्ट करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर का रहता है, और फीमेल्स के लिए क्या है 155 जो सेंटीमीटर है वो हाइट चाहिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बात होगी दोस्तों हाइट और चेस्ट की। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट भी वहां चाहिए जब आप रैली में जाओगे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। फर्स्टली जो आपका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, तो एडमिट कार्ड आपने ले जाना है, आधार कार्ड की 2 कॉपी ले जानी है आपने। ठीक है, और जो आपके रिसेंटली पासपोर्ट फोटो है, जो अपने लेटेस्ट जो पासपोर्ट फोटो खिंचवाए हैं वो पासपोर्ट फोटो आपने ले जाने हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो उसकी 4 से 5 कॉपी आपने लेके जानी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन अभी आपका फिलहाल नहीं होगा दोस्तों, जब तक आपका यहाँ पर रिटर्न क्लियर नहीं करते दोस्तों। रिटर्न क्लियर होने के बाद ये BSF ने ये काफी अच्छा कर दिया यहाँ पर कि आपका पहले फिजिकल होगा, देन आपका रिटर्न होगा, जो रिटर्न में पास होगा देन उसको फिर मेडिकल, उसके लिए मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन के लिए टाइम मिल जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत यहाँ पर बढ़िया कर दिया है BSF ने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी घबराने की जरूरत नहीं, आपको अपना फिजिकल का तैयारी करना है आपको, और उसके बाद रिटर्न टेस्ट का तैयारी करना है। अगर आपने यहाँ पर यहाँ पर हाइट में कोई मार नहीं खाने वाला दोस्तों, 165 सेंटीमीटर है, तो हर कोई यहाँ पर 100% क्या है एप्लीकेबल है, तो रनिंग में हर कोई जाएगा दोस्तों। हर रनिंग सिर्फ आपको करनी है 24 मिनट के अंदर दोस्तों, तो ये रनिंग आपको पक्का क्लियर करनी है, और आप मुझे यकीन है कि आप लोग 100% इस रनिंग को क्या क्लियर कर जाओगे दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने अपना सपना अगर इंडियन आर्मी में भर्ती होने का बनाया है, तो आपको यहाँ पर अपने ड्रीम को, अगर अपने लक्ष्य को रखा है, तो आप जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाओगे दोस्तों। ठीक है, देन बात कर लेता हूँ दोस्तों ट्रेड टेस्ट अभी आपका नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ट्रेड टेस्ट कब होगा जो वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसमें भी मैंने आपको लिखा हुआ है क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, किस किस पर्सन को एक्सपीरियंस चाहिए। सभी के लिए नहीं है, कुछ पर्सन का है, यहाँ पर कुक वगैरह हो गए, कोबलर वगैरह हो गए, उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाके देखिए कि किसको कितना क्या वहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, तो वो मैंने वहाँ पर बना रखा है दोस्तों। ठीक है, वीडियो आप लोगों के लिए मैं कंसिस्टेंसली बना रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को देख नहीं रहे हो, जब तक आप वीडियो को देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्री टेस्ट की बात बता दी मैंने आपको, तो पहले आपका प्रोसेस क्या होने वाला आप टेस्ट का, पहले आपका फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा दोस्तों आपका। ठीक है, रिटर्न के बाद क्या होगा आपका जो है मेडिकल होगा दोस्तों वहां पर। ठीक है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद दोस्तों आपका वहां पर क्या है मेरिट में सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये प्रोसेस होने वाला है इस बार दोस्तों, जो मैंने आपको बताया यही प्रोसेस है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा यहाँ पर, जिसको एप्लीकेबल है वो ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होगा, और ट्रेड टेस्ट में आपको पास होना कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आपको और जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो है ट्रेड का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसका टेस्ट नहीं, ट्रेड टेस्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जिसके पास, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ना कुछ जो है जिस ट्रेड में हम भर्ती होने के आए हैं उसे कुछ ना कुछ नॉलेज इंसान को होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो है मैंने वीडियो अलग से बना रखी है किसको नॉलेज होना जरूरी है और किसको वहां पर क्या टेस्ट लिया जाएगा ट्रेड का, तो वो मैंने सब बता रखा है दोस्तों। तो आप जाके जरूर वीडियो को देखो, और वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे और ही बच्चों के साथ शेयर कर दे, ताकि उन तक भी ये क्या ये चीजें पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप अच्छे से तैयारी करते रहे, फिजिकल का प्रॉपरली तैयारी कीजिए आप। ठीक है, फिजिकल का अगर आपने सही से प्रॉपरली तैयारी कर लिया तो रिटर्न में आप पास हो जाओगे, रिटर्न की तैयारी कर लो दोस्तों। दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।